सुनिए ना, हाँ बता रहे, हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम नीतीश कुमार भी हैं, सुन लीजिए, अखिलेश को यादव भी हैं, नीतीश विपक्ष में नीतीश कुमार भी हैं, एमके स्टालिन भी हैं, आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? एक नाम बता दो, हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो। नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा एनडीए बता दे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नहीं। आपको लगता है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर देंगे? हम लोग इसीलिए आए हैं, आपको क्या लगता है? हम लोगों हिंदुत्व की बात इस लेवल तक करते हैं कि 2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। हाँ, मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो। अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। भाई के ऊपर चाकुओं से गोलियों से हमला हुआ, मेरा भाई तो मर गया था, पुलिस वाले खड़े के तमाशा देख रहे थे, जनता छोड़ दीजिए आप। आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, आपको सुनवाते हैं। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके, एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। अब तक NHRC का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास, ये क्या बात? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। आप जनता से कहलवा रहे हैं वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना, पब्लिक कह रही है। सही खेल गया बैंच। नहीं, आपका काम है साधु बाबा में घंटी बजाना, आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। बोले बोले, डोंट बी टेल हिम। इसे हम हाय कर रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू उसको तय करना है। हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी।